दोस्तों महाशी से मैं आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल पकौड़े जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं एकदम क्विक बनकर तैयार हो जाएंगे और इसे क्रिस्पी करने के लिए ना तो आपको बेसन की ज़रूरत है ना चावल के आटे की जरूरत है मैदा सूजी कॉर्नफ्लोर ऐसे किसी सामान की ज़रूरत नहीं है हमारे घर में जो कुछ होता है ना उससे ही बनकर तैयार हो जाते हैं तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं मानसून सीजन के लिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं कल्पना माहेश्वरी माहेश्वरी अपने चैनल रसोई में आप सभी का स्वागत है तो स्पेशल पकौड़ों के साथ में हम स्पेशल चटनी बनाएंगे जिसे आप सिर्फ एक से डेढ़ मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे तो बस आप हरा धनिया ले लें ले, और जो डंडियाँ होती हैं उसे भी रहने दें पाचे गलियाँ लहसुन की डाल दें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें चार पाँच जितनी क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे आधा चम्मच जितना जीरा लिया आधा चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक वैसे तो चटनी के सब सामान गिर चुके हैं लेकिन फ्रेंड्स कई बार होता है ना चटनी पानी छोड़ देती है काली पड़ जाती है तो उन सब के बचने के लिए और एक बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर के लिए मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी भुजिया साथ ही थोड़ा सा पानी गया और अब हम इसे कोर्सली पीस कर तैयार करेंगे आपको इसे हल्का दर दरा सा रखना है बहुत ज़्यादा फाइन इसे ना पीसें तो देखा ना एक मिनट में ही चटनी तैयार हो गई है तो इसे कर दिया एक मिक्सिंग बाउल में और गाढ़ी चटनी को पतला करने के लिए पानी डाला चटनी को कर देते हैं साइड से और अब करते हैं पकौड़े की तैयारी तो पकौड़े बनाएंगे हम मूँग की दाल के साथ और सिर्फ मूँग की दाल नहीं जाएगी इसमें एक और स्पेशल दाल जाएगी तो एक कप जितनी मूंग की दाल ली उसे नॉर्मल पानी में मैंने करीब दो से ढाई घंटे तक भिगो दिया फ्रेंड्स कभी भी जल्दबाजी में आप पकौड़े ना बनाएं अगर आपने इसे गर्म दानी में भिगो दिया तो ना तो वो वाला टेस्ट रहेगा ना टेक्सचर रहेगा और पकौड़े भी जब ठंडे हो जाएंगे तो सोगी हो जाएंगे ऑयल को काफ़ी ज़्यादा एग्जॉर्ब करेंगे तो नॉर्मल पानी में आप दाल भिगोएं और जो मैं स्पेशल दाल की बात कर रही हूँ वो है फ्रेंड्स चने की दाल अगर मूंग की दाल को आपने दो से ढाई घंटे भिगोया है तो चने की दाल को आप तीन से चार घंटे के लिए भिगोएं क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी मोटी होती है तो पहले हम जो मूंग की दाल ली थी उसका सारा पानी ड्रेन आउट कर देंगे इससे पहले आप दाल को दो तीन पानी से वॉश कर लें और चने की दाल को भी एक साइड से कर देते हैं चने की दाल का भी आपको पानी नहीं निकालना है और ना ही इसमें मिक्स करनी है क्योंकि पहले हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल मसाला क्योंकि स्पेशल पकौड़े बनने वाले हैं तो एक टेबल स्पून जितना होल धनिया लिया है और धनिया का जो इसमें आपको टेस्ट मिलने वाला है ना वो गजब का मिलने वाला है टेक्सचर भी एकदम अलग हो जाएगा तो इसे स्किप ना करें साथ ही आठ दस काली मिर्ची ले लिया हैं होल काली मिर्ची है आधा चम्मच जितना जीरा और इन मसालों को आपको सिर्फ इतना बार भूनना है कि इनका जो एक रॉ फ्लेवर होता है वो निकल जाए और ये मैंने लिया है एक टी जितनी दरदरी सौंफ आपके पास होल है आप होल ले सकते हैं और मेरे पास इस तरीके की थी मैंने ये ले लिया है बस मसालों को अच्छे से गर्म कर लें कारण का टेस्ट बढ़ जाए काफ़ी अच्छी इनकी खुशबू आ जाए तो एकदम स्लो गैस पर मैंने करीब डेढ़ से दो मिनट मसालों को भुना और उसके बाद बारी ने हल्का सा दरदरा कूटने की अगर आप इसे मिक्सी में करना चाह रहे हैं तो पल्स मोड पर सिर्फ एक से दो सेकंड के लिए चलाएं आपका मसाला तैयार हो जाएगा और स्पेशल पकौड़ों का स्पेशल बैटर बनाने के लिए मिक्सी का जाल लिया उसमें छः सात के लिए लहसुन की डाल दी अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दें पाँच छः हरी मिर्ची डाल दी और हरी मिर्चों का इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और इन दोनों चीज़ों को हल्का सा दरदरा कर लिया उसके बाद हमने वो जो चने की दाल ली थी ना उसे अच्छे से वॉश करके उसका सारा पानी निकाल दिया और उसे डालकर हल्का सा दरदरा कर लिया ये स्टेप फ्रेंड्स आप ज़रूर करें वरना क्या होता है जो मूंग की दाल है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और चने की दाल होती है हार्ड आपने दोनों दालों को एक साथ पीसा तो आपका जो पाउडर बनेगा वो काफ़ी बारीक हो जाएगा यानी आपका जो पेस्ट तैयार होगा वो काफ़ी बारीक हो जाएगा और इसके लिए आपको जो तैयार करना है बैटर वो थोड़ा सा दरदरा सा करना है ये देखिए एकदम दरदरा सा हमारा बैटर तैयार हो गया है आपको हाथ में लेके भी फ़ील होगा कि इसमें एक हल्का सा दाना है तो एकदम परफेक्ट है इसे बहुत ज़्यादा फाइन ना करें वरना आपके पकौड़े में बहुत बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर नहीं आएगा तो बस छोटी छोटी सी बातें हैं अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे अब बारी है इसे फेंटने की इसे जैसे हम की दाल के बड़े बनाते हैं उतना फैटने की ज़रूरत नहीं है बस थोड़ा सा यरी हो जाए थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए सिर्फ आपको इतना फेंटना है चने की दाल की वजह से आपके पकौड़े गजब के बनने वाले हैं तो बस चने की दाल आप ज़रूर डाल दें अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक और ये मैंने डाल दिया टेस्ट के हिसाब से नमक और ये गया हाफ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर और एक टेबल स्पून जितने चिल्ली फ्लेक्स डाल दिए थोड़े तीखे पकौड़े ज़्यादा बढ़िया लगेंगे और उसके बाद मैंने डाल दिया वो मसाला पूरा मसाला इतने पकौड़ों में फ्रेंड्स लग जाएगा और बस अच्छे से मिक्स कर लिया और वह आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये बैटर तैयार हुआ है कितना बढ़िया देखने में ही लग रहा है और अगर आप प्याज खाते हैं और आपको पकौड़ों में प्याज पसंद है तो आप इसमें डालिए एकदम बड़े साइज का एक प्याज जिसे एकदम छोटा छोटा सा कट कर ले और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एकदम बारीक कट करा हुआ पालक फ्रेंड्स इसमें करीब आधा कुची जितना मैं पालक डालूंगी उसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया जिससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी तो आज हम पका बना रहे हैं पालक के प्याज के और हरे धनिए के पकौड़े तो पहले अच्छे से मिक्स कर लें और फिर जितने पालक की हमें ज़रूरत होगी यानी जितना पालक इतने दाल में अच्छे से मिक्स हो पाए आप उतना पालक डालिए ये हरे भरे और एकदम क्रिस्पी से पकौड़े आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे तो चलिए मैंने थोड़ा सा पालक और डाल दिया और ये देखिए हमारा जो बैटर था पकौड़े बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार है एक बार इस तरीके से हाथ में लेके आप राउंड बनाइए और देखिए परफेक्ट बॉल बनकर तैयार है यानी कि एकदम तैयार हो गया है इसे आपको रेसपी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी दोनों दालों को अच्छे से भिगो रखा था बस इसी समय हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून जितना गरम ऑयल ऑयल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है तो चलिए अब बना लेते हैं पकौड़े तो बस ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है उसमें वन बाई वन हम इस तरीके से पकौड़े डालते जाएंगे और जैसे ही आप पकौड़े डालेंगे आप देखेंगे कि बबल्स उठ रहे हैं यानी कि आपको जो पकौड़े बनाने हैं ना वो मीडियम गर्म ऑयल में बनाने हैं बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप पकौड़े ना बनाएं और इस तरीके से आप एक चम्मच ले लीजिए पकौड़ों के ऊपर आप गरम ऑयल डालते जाइए एक मिनट तक आप ये प्रोसेस करें और एक मिनट में इनका जो ऊपरी सरफेस है वो भी सीख जाएगा नीचे से भी सीख जाएंगे और पाँच से छः मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके जो पकौड़े हैं ना बहुत ही बढ़िया कलर के सीख कर तैयार हो गए हैं परफेक्ट स्टेज इस है इसे डिश आउट कर लिया और अब इसे हम सर्व करने वाले हैं टमेटो का और जो स्पेशल चटनी बनाई थी उसके साथ में और देखने से ही फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा कि इसने ऑयल को काफ़ी कम एग्जॉर्ब किया है क्योंकि हमने इसमें डाली थी चने की दाल अब आपकी मर्जी है अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो टमाटो का चिप के साथ करें बड़ों को सर्व कर हैं हरी धनी की चटनी के साथ सर्व करें आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर लें साथ ही जो आइकन है उसे भी हिट कर दें